हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग, एकदम मस्त? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके लेक्चर 1 और 2। उसमें जो फॉर्मूलेज है वो हमने कम्प्लीट किए थे फर्स्ट लेक्चर में। सरफेस एरिया के रिलेटेड जो भी सारे फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट है, उसको क्लियर किया। सेकेंड लेक्चर में वॉल्यूम के रिलेटेड जो भी सारे फॉर्मूलाज है एंड वॉल्यूम के रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें एक टफ टॉपिक भी होता है डेंसिटी का, वो भी हमने उसमें क्लियर किया। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक, देन प्लीज फटाफट जाके पहले वो देखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप देख सकते हो 13.1। तो चलिए क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी 13.1 का सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखो, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्यूब दिए हैं, एक ये और दूसरा ये, दोनों का वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का। तो ये मान लो L लेंथ है इसका, ये भी L, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू L क्यूब। तो दिस इज 64 और ये L क्यूब, तो L विल बी इक्वल टू C, दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है ये क्यूब का, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक ही होता है, ठीक है, वो तो साइड का जो मेजरमेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। अभी इसको एंड टू एंड ज्वाइन करना है लाइक दिस, देन इट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड। वो क्यूबॉइड बना देगा, लाइक दिस। चलिए बढ़िया, तो उसको ऐसे दोनों को ज्वाइन कर दिया। तब इसका लेंथ देखो, ये क्या है 4, ये क्या है 4, तो इट्स एंटायर लेंथ विल बी 8 सेंटीमीटर। ये देखो, ये दिस विल बी रिमेन एल, तो ये होगा 4, और ये हाइट, तो हाइट विल रिमेन सेम ऑल्सो, ये होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमें पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया बोला है, देन यू जस्ट नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। तो अभी यहां पे लेट कर लो, L क्या है 8 सेंटीमीटर, B क्या है 4 सेंटीमीटर, H क्या है 4 सेंटीमीटर, तो सब वैल्यूज आपके पास है, रख दो उठा के यहां पे। तो 2, 8 इंटू 4, दिस विल बी 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस अगेन 8 इंटू 4, तो दिस विल बी 2, 8 4 इज 32 प्लस 16 प्लस 32, ये होगा 2, 32 और 32 कितना होगा 64, 64 और 6 जोड़ दो, देन 70, 80, तो ये क्या बन जाएगा, 8 2 इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का आंसर क्या आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, बढ़िया है। चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करो, फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर देखो क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, एक वेसल है इसके फॉर्म में हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो दोनों होलो शेप है, यानी दे आर ओपन फ्रॉम बोथ एंड सिलेंडर, ठीक है, और हॉलो हेमिस्फीयर हॉलो सिलेंडर, तो इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो दिया है,
14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. इसका जो पूरा हाइट दिया है वो है 13 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. ठीक है, तो आपको इनर सरफेस एरिया सिर्फ निकालना है, बट उसके पहले डायमेंशन लिख लो. यहाँ पे लिख लो हेमिस्फीयर, यहाँ पे लिख लो सिलेंडर. ठीक है, हेमिस्फीयर देखो उसका डायमीटर दिया है डी, दैट इज 14 सेंटीमीटर. सो आर इज इक्वल टू डी बाई टू, तो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. बढ़िया है. अभी देखो जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है वही उसका हाइट होता है, वही लेंथ उसकी हाइट भी होगी. मैंने पहले भी बताया है ये प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला था कि हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वही उसकी रेडियस भी होती है. ठीक है, तो ये बात याद रखना आपको. तो देखो ये कितना हो गया, सॉरी दिस इज 7 सेंटीमीटर, राइट. तो ये देखो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना बनेगा 13 माइनस 7, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो सिलेंडर का एनालाइज करो, तो उसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो आर के जितना ही होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर. और उसका जो हाइट है, टोटल हाइट यहाँ पे लिखते हैं, टोटल हाइट ऑफ वेसल दैट इज कैपिटल एच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर मान लो कि स्मॉल एच है, सो दैट विल बी एच माइनस आर, तो 13 माइनस 7, सो दैट विल बी 6 सेंटीमीटर. तो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है. बढ़िया. अभी देखो इनर सरफेस एरिया, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, दिस इज इनर सरफेस एरिया. तो अभी देखो ये पूरा खुला है, ठीक है, इट इज होलो. तो यहां से अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करो तो इतना पार्ट जो है, देखो जो मैं शेड कर रहा हूं ये वाला, दिस विल बी इट्स इनर सरफेस एरिया, वो आपका निकालना है. तो सिलेंडर का तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल दैट विल बी इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ऊपर और नीचे का पोर्शन है ही नहीं और कंसिडर भी नहीं करना, एंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर. सो लगाओ फॉर्मूला, सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का सी एस ए कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे बचेगा एच प्लस आर. बढ़िया है. चलिए 2 इंटू पाई बोला है इसमें, नहीं बोला, तो 22/7 इंटू 7, हाइट कितना आया 6, रेडियस कितना है 7. ठीक है, ये 7 से 7 कट गए, ये 44 इंटू 13 प्लस सॉरी 6 प्लस 7 दैट विल बी 13. मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 275 आंसर क्या बनेगा, 572 यूनिट लिखना है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. सभी चीजें सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, एक यूनिट को लेकर ही आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है. तो आंसर विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं. चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 3, स्क्रीन के ऊपर देखो. अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. ठीक है, सो यहाँ पे एक कोन दिया है, उसको एक सेम रेडियस वाले हेमिस्फीयर के ऊपर लगाया है. ठीक है, लाइक दिस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे प्रीवियस सम के जैसा ही कंफ्यूज करना है उसको, बट हम नहीं होंगे. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें टॉय का. चलिए तो अभी रेडियस कितना दिया था, 3.5 सेंटीमीटर.
तो यहाँ पे रेडियस दिया है मान लो, एक्सेस हो गया, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस। चलिए तो हाइट भी उतना ही होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो ये 3.5 है, ये 15.5 है, 0.5 निकाल दो, 15 15 -3 दैट विल बी 12। तो हाइट ऑफ कोन टर्न आउट टू बी 12 सेंटीमीटर। चलिए तो अभी लिखते हैं हेमिस्फीयर, उसका एक ही पैरामीटर होता है रेडियस, उसको बोल दो आर, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा है कोन, तो कोन में भी रेडियस रहता है, वो सेम है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे टोटल हाइट बताया है ये टॉय का, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। तो एच दैट इज हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कैसे निकालोगे, दैट इज टोटल हाइट माइनस रेडियस। ये टोटल हाइट में से रेडियस निकाल दो तो इतना बचेगा जो हमने लिखा है ऊपर। तो चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो रुक गया था, तो इस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं अभी। ठीक है, तो यस्टरडे वी आर ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है, दिन भी बदल गया है और वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, फिर टाइम नहीं मिला था इसलिए। तो ये जो टॉय था, ऊपर कौन था, नीचे हेमिस्फीयर था, तो इसका रेडियस जो दिया था 3.5, तो वही उसका हाइट बन गया था। टोटल हाइट टॉय का दिया था 15.5 सेंटीमीटर, तो उसमें से हमने ये 12 सेंटीमीटर तक कैलकुलेशन की थी। ठीक है, तो दिस इज द हाइट ऑफ कोन दैट वी आर गेटिंग 12 सेंटीमीटर। सो अभी इसका टीएसए फाइंड करना है। देखो टीएसए किसे बोलेंगे, टीएसए जो बाहर से दिखता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होते ही बोलेंगे जो बाहर से एक्चुअली हमें ऑब्जर्व होता। तो इस टॉय को अगर ऑब्जर्व करो तो ये सर्कुलर पार्ट हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो टीएसए का फॉर्मूला अगर आप कोन का ये लगा दोगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें ये सर्कल दिख ही नहीं रहा, बाहर से जो दिखेगा। ठीक है, जो सरफेस है, सरफेस यानी उसका बाहर का पोर्शन जो दिख रहा है एक्चुअली, सिर्फ उसे ही आपको कंसिडर करना है। तो ये नहीं लेना, यू जस्ट नीड टू कंसिडर द पाई आर। अगर सर्कल दिख रहा है तो ऐड कर दो, ठीक है, वरना सीएसए ही काम चला लो। सो टीएसए ऑफ टॉय दैट विल बी इक्वल टू टीएसए ऑफ कोन प्लस टीएसए ऑफ, ये कौन सा है, हेमिस्फीयर। तो टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अभी यहां पे देखो एल आ गया, तो हमारे पास एल तो है ही नहीं, तो वी कैन फाइंड द एल लाइक दिस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर कितना है, 3.5, तो उसे बना दो, 35/10, सो दिस विल बी 7/2। बढ़िया है, चलिए कैलकुलेशन लगाते हैं। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी 12 स्क्वायर प्लस ये होगा 7/2 होल स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 49/4। सो 144 इंटू 4 कर दो ये, सो 144 इंटू 4 ये होगा 576 प्लस 49/4 एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर कितना बन जाएगा, 576 प्लस 49, सो दैट विल बी, दिस विल बी 5। ठीक है, 9 प्लस 6 15, तो ये बन जाएगा 8, 8 और 4 12, और वो 6 625, ये हो गया 4। तो इसका अंडर रूट निकाल दो, ठीक है, ये अंडर रूट में ले लो, देन इट विल बी 625, दिस विल बी 25, और ये होगा 2। तो एल का वैल्यू कितना है, 25/2 सेंटीमीटर। बढ़िया,
चलिए इसको यहाँ पे लगा दो 22/7 आर का वैल्यू कंसिडर कर लो, आर बाई टू। चलिए पहले एक काम करते हैं, कॉमन जो निकल रहा है वो निकाल लो, पाई आर कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा एल, यहाँ पे बचेगा 2 आर, तो 22/7 × ये बन जाएगा 7/2। चलिए एल कितना आया, एल 25/2 लगा दो यहाँ पे, ये 2 × 7/2, ये 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 11, तो 11, ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 25 + 7 2 14/2, सो 11 × 25 + 14, सो दैट विल बी 39/2, तो 39 × 11 करना है सिर्फ, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो ये होगा 9, ये होगा 2 1, सो दिस विल बी 429/2। 400 का आधा करो 200 आएगा, 29 का आधा 14.5, सो दिस विल बी 214.5। एरिया निकाला है और यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़िया है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले डेटा लिख लो पूरा, फिर एल फाइंड कर लो, क्योंकि एरिया निकालना है तो उसमें एल का हेल्प चाहिए हमें, ठीक है। और सिर्फ फॉर्मूला लगा दो, देखो याद रखो कि जो बाहर से दिख रहा है वही आपको ऐड करना है, टीए से फाइंड करना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसका टीए से इसका टीए से जोड़ दिया। अगर ऐसा करोगे तो ये सर्कल 2 बार कंसिडर होगा, तो डोंट गो फॉर इट, जो बाहर से दिख रहा है उसको ही ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ऑब्जर्व करो, इमेजिन करो कि वो ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है, क्लियर है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर क्वेश्चन 4 आगे देखते हैं। चलिए अभी अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आप क्वेश्चन को। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है यहाँ पे, चलिए बनाते हैं एक बॉक्स, चलिए। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल है इसलिए तीनों सेम होंगे। चलिए सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट कैन बी पुट ओवर इट, तो उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखना है। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो सकता है, तो देखो हेमिस्फीयर कैन बी प्लेस्ड लाइक दिस, ठीक है, हेमिस्फीयर को ऐसे रख सकते हो उसके ऊपर, तो ये है वो उसका डायमीटर होगा, दिस कैन बी द डायमीटर। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर, सबसे पहले लेट कर लो, लेट एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूब, सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है तो वो डायमीटर होगा उसका, ये सर्कुलर रीजन का, ठीक है, तो वो 7 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा, क्लियर है। चलिए तो ग्रेटेस्ट डायमीटर तो हो गया हेमिस्फीयर का, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अभी क्यूब के लिए लेंथ क्या है उसका, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर के लिए क्या है रेडियस, देखो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। चलिए तो डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अभी हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ सॉलिड, तो देखो टीएसए ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, मैंने पहले भी बताया कि जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है, तो जस्ट नीड टू कंसिडर ओनली दैट पोर्शन। तो यहाँ पे देखो अगर इसका टीएसए बना लो 6L², ठीक है, इसका टीएसए बना लो 6L² क्यूब क्यूब का, और ऊपर जो है हेमिस्फीयर उसका कितना होगा 2πr², ठीक है। अभी ये अपर फेस ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दिस अपर फेस, सो ऊपर
आप देखोगे कि हमने ऐसे रख दिया है उसके ऊपर हेमिस्फीयर, तो ये सर्कुलर रीजन दिस विल नॉट विजिबल, ये पार्ट अगर आप ऐसे ढक दोगे तो वो दिखेगा नहीं। इट विल बी लाइक दिस, अगर ऐसे अपर फेस और उसके ऊपर ऐसे एक हेमिस्फीयर रख दिया आपने, तो वो जो सर्कुलर पार्ट है ये व्हाइट वाला पोर्शन है इतना, जिसके ऊपर ये पड़ा है वो नहीं दिखेगा बाहर से, ठीक है। यू कैन चेक इट फ्रॉम एनी एंगल, तो वो हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, तो ये पार्ट आपको कंसिडर नहीं करना। तो ऊपर का जो फेस है उसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये और ये चार पार्ट आपको विजिबल होंगे, सिर्फ वो चार कॉर्नर, इसलिए 6L² में से ये सर्कल को निकाल देना है, क्लियर है इतना। चलिए, तो TSA ऑफ सॉलिड दैट विल बी TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कंसिडर कर लो माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर रीजन हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए, तो TSA ऑफ क्यूब कितना होता है, 6L² हेमिस्फीयर दैट इज 2πr² और ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो 6L² प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6L कितना है 7, सो ये होगा 7² प्लस 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ये होगा 11, यहाँ पे 7 को कॉमन निकालो, यहाँ पे एक 6 × 7 बचेगा, तो वो होगा 42 प्लस, यहां से 7 बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा 11/2, तो ये होगा 84 प्लस 11 दैट विल बी 95/2, तो 95 × 7 होगा 665, तो 660 का हाफ 330 और पाई का हाफ 2.5, तो दिस विल बी 332.5 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िया एकदम, तो वो बात याद रखना कि जो बाहर से ऑब्जर्व एक्चुअली होता है, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छे से उसको इमेजिन कर पाओगे तो सवाल आराम से हो जाएगा, फॉर्मूला सही लगाना है, एक बार फॉर्मूला ठीक लग गया तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएंगे, ठीक है, 10वीं क्लास में। और तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन पर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 5। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वैसे ही होगा इसके पहले जैसे, चलिए यहाँ पे एक बढ़िया क्यूब बना दिया हमने, ठीक है, तो ये क्यूब के अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाना है, उसके ऊपर रखा था इस बार, ये अंदर की तरफ है, इसका डायमीटर इसके लेंथ के बराबर है, ठीक है, एंड इट विल बी लाइक दिस। बढ़िया, तो देखो इसका लेंथ कितना होगा एल, ये एल, ये भी एल, चलिए तो ये लेंथ हो गया, तो देखो इसका डायमीटर कितना दिया है, दैट इज गिवन एज एल, तो यहां पे लिख लो हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर एल है, तो रेडियस होगा L/2, और क्यूब है तो क्यूब का जो लेंथ है वो भी दिया है एल, तो हमें जो ये है उसका सॉलिड उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो लास्ट वाले सम के जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट विल बी इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस, क्यूब का ले लो फिर यहाँ पे ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन कंसिडर करना है। देखो इसमें डिप्रेशन बना है, तो ये सर्कल तो गायब हो गया, वो तो है ही नहीं वहां पे एक्चुअली, इट इज काइंड ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अंदर की तरफ, तो ये जो सरफेस है ये पूरा दिखेगा, ठीक है, ये सरफेस आप ऑब्जर्व कर पाओगे ऊपर से देखोगे, तो ये कितना होता है 2πr² और वो सर्कल 6L² में से निकाल देना है, तो अगेन होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर -πr², ठीक है, ऊपर का सर्कल जो है गोल वो तो वहां पे है ही नहीं, और 6L²
अगर आपने 6L² इसका लगाया है, ठीक है, तो ऊपर का पूरा सरफेस कंसिडर कर लिया है, बट वो सर्कल निकालना भूल गए हो, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो 6L² में से। तो 6L² प्लस 2πr² माइनस πr² देन इट विल बी 6L² प्लस πr² तो 6L² प्लस r कितना है, L/2, तो ये होगा πL² / 4। तो इसका एलसीएम लगा लो, 6×4=24L² प्लस πL² / 4। S² को कॉमन निकाल लो, देन इट विल बी S² / 4, 24 प्लस पाई, यूनिट दिया नहीं इसलिए यूनिट स्क्वायर लिख लो, क्योंकि सरफेस एरिया है। क्लियर है? तो आसान था ये क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी में लिख लो। चलिए तो यहाँ पे हम, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। सॉरी, लेक्चर नंबर 3 है वैसे तो, ये लेक्चर नंबर 1 नहीं है। तो आज का ये लेक्चर नंबर 3 है, वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इसमें हमने 13.1 के 5 सवाल किए, आगे के 4 सवाल अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।